3D मॉडल्स बनाना और लोगों को दिखाना कि इस तरह की तब सिटी थी या इस तरह की राजधानी थी और इस तरह का कल्चर था, ये देखेंगे तो ज़्यादा रोचक लगेगा और आदमी को इतिहास पढ़ने में भी मन लगेगा। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। इस समय हम पटना के मौर्या होटल में और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आज मनाया जा रहा है और हमारे साथ हरजीत कौर मैम हैं, उनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से पटना म्यूजियम हो गया, बिहार म्यूजियम हो गया, अलग अलग म्यूजियम की मैडम बात हो रही है, इतने दिनों के बाद से क्या प्लानिंग है आप लोगों के म्यूजियम के प्रति? जैसा कि हम लोगों ने अपने संबोधन में भी कहा, मुख्य सचिव महोदय ने भी और बाकी ने भी, हम लोग काफ़ी विस्तृत बना रहे हैं अपना दूरगामी प्रोस्पेक्टिव प्लान कि कैसे हम लोग संग्रहालयों को और बेहतर बनाएं और कैसे उनको रुचिकर बनाएं ताकि आम जनता उसके पास आने चाहे। तो उसमें बहुत से हम लोगों के आगे के विचार हैं कि हम लोग 3D मॉडल्स बनाएं, पिक्टोरियल उसको दिखाएं, थीम पार्क्स बनाएं और इतिहास के लिए कई जगहों पे अच्छे अच्छे सेमिनार्स करें, क्योंकि इतिहास और संस्कृति जो है वो बहुत एक बहुआयामी चीज़ है जिसको बहुत कम चीज़ों तक ही रिस्ट्रिक्ट करना शायद बहुत अच्छी बात नहीं है। तो आगामी दिनों में हम लोग बहुत खुश हैं कि बिहार संग्रहालयों में काफ़ी कुछ होने वाला है जो कि आम जनता के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, इंटरटेनिंग रहेगा। ये पूरा सप्ताह जो है संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है पूरे बिहार में, इससे क्या लाभ होने जा रहा है? देखिए, संग्रहालय जो हैं वो बेसिकली शिक्षा और अनुसंधान के केंद्र होते हैं, तो जब संग्रहालयों के ऊपर फोकस होता है तो आम आदमी को पता चलता है कि हम लोगों के संग्रहालयों में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या ऐसी चीज़ें इतिहास के पन्नों से निकल के आई हैं जिससे हम लोग अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं और क्या सीख सकते हैं हम उनसे। और हम लोग सब जानते हैं कि हमारा इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, लेकिन उस गौरवशाली इतिहास की जब हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स या विषयों में करते हैं तब पता चलता है कि किस किस विषय में हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे या हमने क्या क्या सीख रखा था और कुछ चीज़ें जो हम लोग भूल चुके हैं उनको कैसे हम लोग वापस सीख पाएँ। तो एक समय था जब भारतवर्ष जो है वो विश्व का नंबर एक देश था, सिर्फ अपने ट्रेड या बाकी सब संसाधनों की वजह से नहीं, अपने ज्ञान और अपनी विरासत और अपने संस्कृति की वजह से। तो उन सब चीज़ों के बारे में जानना, समझना और आगे बढ़ना, ये भी मकसद है। ये 3D की जो बात आप लोग कह रहे हैं कि इससे कुछ कैसे बदलाव? जैसे अब मान लीजिए अशोक जी ही हैं, सम्राट अशोक हैं, हम लोग उनके बारे में पढ़े हैं, लेकिन उनकी जो भव्यता थी या उनके समय में जो मौर्यन एम्पायर का जो ग्लोरी था उसको हम लोग देख नहीं पाते, क्योंकि ज़्यादातर उनके समय की जो भी चीज़ें हैं वो धरती के अंदर रह गई हैं। तो अब हर जगह तो हम लोग आज की तिथि में चाहें भी तो डिग नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उनके 3D मॉडल्स बनाना और लोगों को दिखाना कि इस तरह की तब सिटी थी या इस तरह की राजधानी थी और इस तरह का कल्चर था, ये देखेंगे तो ज़्यादा रोचक लगेगा और आदमी को इतिहास पढ़ने में भी मन लगेगा। इससे बदलाव दिखेगा? हाँ, इससे बदलाव दिखेगा इतिहास के प्रति, आर्कियोलॉजी के प्रति और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ेगी। और देखिए, ज्ञान तो अथाह सागर है, जितना हम लोग ज्ञान के बारे में जानेंगे उतना हम लोग भी और इन्फॉर्मेटिव और बनेंगे। और क्योंकि बिहार से ही भारतीय इतिहास है तो इसलिए हम लोगों को और ज़्यादा जिम्मेवारी है कि हम लोग इसमें बहुत अच्छी मेहनत करें। इसे इंटरटेनमेंट के प्रति लोगों को जुड़ा, हम मनोरंजन तो है ही, इतनी रोचक बातें निकल के आती हैं कि बताइए किस तरह की वेशभूषाएं थी, किस तरह की खान पान की चीज़ें थी, किस तरह के लोगों की रहने की परंपराएं थी, किस तरह के घर बनते थे, कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती थी, ये सब जानना आज भी हम लोगों को बहुत रुचिकर लगता है सबको। और अपने बारे में जानना कि हमारे पूर्वज कैसे करके गए हैं, ये जानना तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आपने सुना किस तरीके से हरजोत कौर मैम ने साफ साफ कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है, वहीं कई तरह के नए बदलाव भी किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय सप्ताह दिवस पूरे बिहार में मनाया जा रहा है, जो विरासत है यानी जो मेन उद्देश्य है, जो पुरानी विरासत को कैसे पुनः जीवित किया जाए, संग्रहालय में कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए कि हमारी परंपरा क्या रही, हमारी संस्कृति क्या रही, हमारे कला के प्रति लोगों में कैसे जागरूक किया जाए, उसको लिए अलग अलग प्रयोग किया जा रहा है और ये पूरा सप्ताह जो है इसी पर बनाया गया है। तमाम चीज़ें बता रही मैडम ने साफ साफ कहा कि जो बदलाव की बातें हो, उन्होंने कहा कि आने वाले समय के जो भविष्य के बच्चे हैं उनमें काफ़ी बदलाव होगा। और जो 3D की बात है, उन्होंने कहा कि 3D के माध्यम से पिक्चर जो दिखाया जाए उससे जो है बच्चों में एक तरीके से लगाव बढ़ेगा संग्रहालयों के प्रति और अपनी पुरानी विरासत को जानने के प्रति।
अभी हरजोत कौर जी ने कहा कि हमको बहुत ज्यादा बहुत सारी टेरिकोटा की वस्तुएं जो हैं वो यहाँ मिलती हैं पटना के नीचे खुदाई करने पर या आसपास। अब वो टेराकोटा की जो वस्तुएं हैं वो किसी राजमहल के प्रांगण में मिल रही हैं या वो किसी गरीब के घर में मिल रही हैं, दोनों का इंटरप्रिटेशन अगर एक सा हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि उसका कोई औचित्य या कोई सार्थक उसमें कोई वो नहीं निकलेगा। नहीं, तो मेरे ख्याल से हम लोग सबके साथ ना केवल शिक्षा लेकिन अनुसंधान के मामले में भी काफी आगे बढ़ सकते हैं। एक और